हैप्पी होली, हैप्पी होली। जी भाई साहब, हम वो डांस का वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरी बहुत ही अधिक बेइज्जती हो रही थी वहाँ पर। चुप रहो, हम रुकोगे डांस को। अरे वाह वाह वाह, चलते हैं, रुक जाओ आराम से। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने नए व्लॉग में। जी, इस व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने भी हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी आईडी, आप वहां पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबको भी लाइव कॉल पर लेते हैं और ढेरों बातें होती है। तो जी, शुरुआत करते हैं इस नए व्लॉग का। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शादी के बाद जो हमारी पहली होली थी उसकी कुछ झलक दिखाने वाले हैं। जी, हमने तो शादी के बाद अपनी पहली होली में खूब मजे किए थे। बहुत ज्यादा। और जी, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मजा आएगा। जी, जब हमें होली के लिए चलना था ससुराल के लिए, तो हमारे ससुर जी आ गए थे होली से 2 दिन पहले, यहाँ पर कटिहार आ गए थे। जो कटिहार से थाना बीपुर तक का जो दूरी है तो लगभग हम लोग 2 घंटे में ट्रेन से पहुंच जाते हैं, लेकिन हमने फिर भी रिजर्वेशन करवा लिया कि भीड़ उतना नहीं रहे क्योंकि सामान थोड़ा था ठीक ठाक। लेकिन जो हमने सोचा ठीक उसके उलट हुआ। जी, रिजर्वेशन बोगी में सोना तो दूर की बात है, जो अपना बर्थ लेकर के रखे थे वहाँ पर पैर रखने के लिए आपको जगह मिल जाए वो बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पर तो चल भी नहीं पा रहे थे। और S7 कंपार्टमेंट में जो ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट का आपको हाल दिखाते हैं। और यहाँ पर अभी शायद बिहार पुलिस के छात्र है सभी। जी, ये जब जा रहे थे इतना शर्मा रहे थे बहुत ज्यादा, वहाँ जाएंगे कैसे, मतलब कैसा होगा, क्या होगा, कैसे क्या। ये ससुराल वाला ये सब चीज सबसे जो है ना, जी नए आदमी थे इन सब में तो, और ऊपर सब नए ही होते हैं। ठीक है, ऊपर से हम जो है थोड़ा कम बातचीत करने वाला आदमी है, ज्यादा हम नहीं सोशल रहते हैं, तो इसीलिए जी थोड़ा लग रहा था नर्वसनेस कि क्या होगा कैसा नहीं होगा। तो हम लोग दोपहर तक तो पहुंच गए थे वहाँ। जी, जब ससुराल पहुंचे वहाँ खूब खातिरदारी हुई और खातिरदारी का एकदम खूब आनंद लिए। उसके बाद जो है वहाँ पर लेकिन किसी ने भी फील नहीं होने दिया कि ये हमारे दामाद जी है, लग रहा था कि हम वहाँ के बेटे हैं। और फिर उसके बाद जो है मेरे साली साहब कहे कि चलिएगा जीजा जी कहीं घूमने। हम कहाँ घूमने चलोगे, कहा गंगा किनारे। हम कहे वाह चलो गंगा किनारे, मजा ही है। फिर तो हम निकल लिए जी गंगा किनारे, और जब हम निकले तो साथ में ये लोग भी निकल गए क्योंकि इन लोगों ने मौका नहीं मिलता था बाहर निकलने के लिए। तो हम सब निकल गए गंगा किनारे, और गंगा किनारे जो जी हम लोग मस्ती किए पूछिए मत, खूब मस्ती किए वहाँ पर। आराम से गिरना मत बस, आओ ना तब लुढ़क के आ रही। जी, अभी हम है गंगा किनारे और हम यहाँ हैं नाव के पास। बिल्कुल, सोच रहे हैं काश कोई नाव वाला रहता तो कुछ पैसा दे करके घूम लेते, अपने से तो आता है नहीं चलाने, भले उसमें डंडा ये सब सब कुछ दे रखा है लेकिन हमें चलाने आता है नहीं। जी, उसके बाद जो है ना बीच में सोचे कि एक थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं, जब सेल्फी ले रहे थे तब देखिए क्या हो, ओए वीडियो आ गया। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप बता, हम तो यहीं के। मन कर रहा है यहाँ से जाए ना। पकड़ो चप्पल अपना, उठाओ। वाह 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 वाह, गंगा जी में घोड़े का भी मजा ले लो। साड़ी आदमी से इनकी करबो, साड़ी आदमी के कुछ ना आवे, हम सब छे गवाड़ी। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। A few moments later. Fuck what you thought I'd do without you. I'm so much better, like you never met me. I'm doing anything I want to.
बाबा पत्थर जमा हो गया तुम लोग का, जमा हो गया और अब स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो तब तो स्टार्ट करो। जी फिर उसके बाद जो है हम लोग गंगा किनारे अपना मस्ती करके खूब वहाँ पर टिकटॉक के लिए वीडियो शूट किए और साथ में बहुत फ्रेंड भी किए और साथ में जो जी जब वहाँ पर शाम ढल गया था तब जो गंगा किनारे जो बैठे हुए थे ये सुकून मिला जी, पूछिए मत। गंगा किनारे थोड़ा सा साथ समय बिताए, बहुत मजा आया जी वहाँ पर। फिर गंगा किनारे समय बिताकर हम लोग निकल लिए घर की तरफ। दो दिन तक तो हम लोग ऐसे ही घूमते रहे थे गंगा किनारे, मतलब दो शाम जो है होली से दो दिन पहले ही आ गए थे तो दो शाम तो हम लोग गंगा किनारे ही बिताए। सुबह भी आ गए थे। ये फिर दिन आ गई होली की और होली के दिन जो है सुबह सुबह सब उठा दिए और जब सुबह उठे तो देख रहे थे कोई होली तो खेल नहीं रहा था। फिर क्या हुआ हम लोग निकल गए बगीचे की तरफ और जी जब बगीचा निकले जी आज आपको दिखाते हैं जी आपने फुल रंग में है, घर आते ही फुल फॉर्म में। ये देखिए वहाँ पर बंदरिया को वहाँ पर शैतानी मत करो। ये बात अलग है कि बाद में मुझे डांट कर खुद भी चढ़ गए थे बंदर, वो अलग बात है जी। फिर देखिए कि जब ये चढ़ गए तो मेरे भी अंदर का कीड़ा जग गया, हम भी चढ़ गए जी पेड़ पर। और जब पेड़ पर चढ़ गए तो अपने साली साहब को मोबाइल थमा दिखा कि सुनो ना यही सेक्टर होली के विशेष का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए जी आप लोग क्या किया हमने। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आज स्पेशल। और आज का दिन हमारे लिए काफी खास है, इसी दिन इसी होली के दिन पिछले साल हम दोनों की बातचीत शुरू हुई थी। हाँ। शादी से लगभग कितना 2 महीने पहले की बात है, 2 या 3 महीने। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का भी आज दिन जबरदस्त जाए, अच्छा जाए, खूब मजे करें होली में। जी जब बगीचा में थोड़ा समय बिता लिए फिर उसके बाद गंगा किनारे निकल गए। इस बार क्या हुआ जिया का दो छोटा भाई है बउआ भी आ गया, मेरे साली साहब भी आ गए एकदम पता करके कि ये लोग कहाँ गया है, वो भी अपना साइकिल लेकर के आ गए। हम चारों गंगा किनारे चल दिए। इस बार हमारी साली साहिबा नहीं थी वहाँ पर, वो घर पर ही थी। फिर गंगा किनारे जो है फिर एकदम धूल उड़ाना क्या कहते हैं खूब एकदम हुल्लड़बाजी करना खूब किए जी, इतना मस्ती किए ना वहाँ पर। जब हम लोग लौट रहे थे गंगा किनारे से घर की तरफ उस टाइम मेरे साली साहब तो साइकिल लेकर के आए थे, अब कहे सुनो साइकिल हमको दो हम भी थोड़ा चलाएंगे। लगभग हम 10 क्लास के बाद जो है कब साइकिल नहीं छुए थे अपना, तो चले ही हमको बोलते तुम भी पीछे बैठो ना। कितने दिन बाद साइकिल चला रहे हैं, वो भी कौन सा ये सर 21 इंची या 24 इंची का होगा। चलो अब इधर से चलते हैं, रुक जाओ आराम से। आया मजा। फिर इसको भी बैठा लिया, ये तो बैठ ही नहीं रही थी। हमको बहुत डर लग रहा था हड्डी उड्डी तोड़ देंगे आप। हम कितना नारी समझी थी कि हम साइकिल भी नहीं चला पाएंगे जी। जब गंगा किनारे से हम घर लौटे तो देख रहे हैं कि वहाँ तो होली का खेल शुरू हो गया है और हमको जो सब मतलब क्या बताएं, कोई रहम नहीं, इतना रंग लगाया हमको वहाँ पर, बच्चा बच्चा लगा दिया, बच्चा बच्चा भी कोई नहीं छोड़ा हमको। ये बात तो लगी कि आप भी किसी को नहीं छोड़े थे। अब हमको लगाएगा तो हम तो लगाएंगे ही ना जी। हम लोग अपने यहाँ जो है कटिहार में यहाँ भी अपने दोस्त के साथ खूब होली खेलते थे। ये बात तो लगी, बच्चा लोग थोड़ा सा लगाता था इनको, ये पकड़ के पूरा गिरा देते थे। अजिया जो है कह रही है नहीं हमको रंग नहीं लगाना है, हमको एलर्जी हो जाता है। हमको एलर्जी कैसी तैसी लगाओ रंग, इसको भी रंग लगा दिए। फिर कुछ एलर्जी नहीं हुआ, सब कुछ सही, पूरा निकल गया था दाना, झूठ का उसी। फिर उसके बाद जो है जी हम लोग खूब होली खेले। फिर जी जब घर में होली मना लिए हम लोग फिर उसके बाद के थोड़ा सा और मजा आना चाहिए। हम लोग जी फिर निकल गए गंगा किनारे, गंगा मैया से तो लग रहा था ऐसा नाता था हमारा कि कुछ भी मन में नहीं सोचे हम लोग गंगा मैया की तरफ ही चले जाते थे जी। अभी हम आए हुए हैं गंगा किनारे।
फिर वहाँ गंगा किनारे हम लोग होली मनाए, फिर हम लौट गए घर जी। तो जी उसके बाद अपना जब रंग छुड़ाने की कोशिश कर लिए, रंग तो छुड़ा नहीं है पाए, क्यों बोलेंगे कि रंग छुड़ा लिए। फिर उसके बाद आए जी खाने के लिए, और खाने में तो जी विशेष ध्यान रखा गया था, मेरे पसंद का दही वड़ा बना हुआ था। दही वड़ा जो खाए हम जी, ओह भर पेट एकदम। मेरे लिए पनीर बना हुआ था, या कि यहाँ ही गाय है वो वहीं पर अपना शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध का जो शुद्ध पनीर बनता है उसका खाने का तो मजा ही अलग है जी। मार्केट वाला तो अलग खाते है, ये बात अलग है कि इनको कोई भी पनीर दे दो ठूस ठूस के खाएंगे। मालपुआ बना हुआ था, दही वड़ा बना हुआ था, पूरी खीर, ओ भाई साहब इतना तरह का पकवान जम के खाए, एकदम मन लग रहा था तृप्त हो गया। फिर उसके बाद खाने के बाद कुछ देर सोए, और शाम में फिर बारी आ गई गुलाल खेलने की। और गुलाल खेलने के टाइम जितना सुबह में मेरा अच्छे से खातिरदारी हुआ था होली के दिन, उसी तरह गुलाल के टाइम भी मेरा खूब खातिरदारी हुआ भाई साहब। किसी ने नहीं बख्शा, माथा क्या कहते हैं गाल पूरा शरीर एकदम। तो जी फिर हुआ गुलाल सबका खेल, और वहां पर हम देख रहे होली था उस दिन, देख रहे थे मटका फोर का आयोजन किया जा रहा था, मटका फोर कार्यक्रम का। जब मटका फोर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, हमको नहीं मालूम था कि इस मटका फोर कार्यक्रम का जो चीफ गेस्ट होने वाला है वो हम ही होने वाले हैं, और साथ में एक दामाद जी थे। जी हाँ, बात ये थी कि दो दामाद जी थे उस गाँव में नए नए, तो उन दोनों के बीच में कम्पिटिशन करवाना था मटका फोर का। हमको नहीं मालूम था ये सब कि हम भी इसका पार्ट होने वाले हैं। तो जब गुलाल का खेल हो गया, सब हमको बुलाए वहाँ पर कि चलिए आप भी वहाँ पर, हमको कहे वहाँ पर बुला रहे हैं हम जी, हमको थोड़ा भीड़ भाड़ उतना ज्यादा पसंद है, सोच रहे थे कि हम हार जाएंगे, और हारने का बात नहीं है, हमको इसे भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद है नहीं, झूठ कर हार जाएंगे हार जाएंगे। तो जी फिर लेके चले ही गए, और जब वहां पर खेल शुरू हुआ दो दामादों के बीच में कि कौन पहले मटका फोड़ देगा, तो जी सभी ने हमको देखा कि हम ज्यादा उछल नहीं पा रहे हैं, तो लगा कि ये तो वन साइडेड हो जाएगा, वो तो आराम से जीत जाएगा। तब क्या हुआ, नहीं हुआ क्या, वो पतले दुबले थे और आपसे हाइट में भी छोटे थे, वो इतना उछल रहे थे तेजी में। फिर उसके बाद जो है सभी ने वहां पर देखा ये तो लग रहा है वन साइडेड हो जाएगा। तो जी हमको एक बड्डू अंकल है, हम लोग के तरफ के जितने भी अंकल लोग थे सब ने क्या किया, हमको गोदी पर उठा लिया, और गोदी में जो उठा लिया उसको भी गोदी पर उठाया, और गोदी में उठाया वहाँ आ गया मेरे अंदर फुर्ती। और उसके बाद जो है मारे फटाक से वहाँ उस पर, तो पहला निशाना तो लगा नहीं मेरा। उसके बाद जो है वो सामने वाले दामाद जी वो हमको ऐसे खींचने लगे कि हमको खींच करके हम मारेंगे, तो हम भी जी हाथ छुड़ा, इस बार लग गया निशाना, तो जी इस बार लग गया सटीक निशाना और मटका फोड़ दिया हम, और इस तरह से हम बन गए विजेता मटका फोड़ के। भली बात है कि हम जबरदस्ती के विजेता बन गए, अगर कोई नहीं उठाता गोदी में तो पक्का वही जीत जाता। तो हाँ जी फिर ये हुआ मटका फोर का आयोजन हो गया, हम बन गए विजेता। उसके बाद आई डांस करने की बारी। जी भाई साहब मेरा जो है डांस से जो है ना कोई नाता रिश्ता नहीं है, जब भी डांस होता है हम भाग जाते, हमको डांस करना टॉर्चर के समान लगता है जी। सही बात, भागने की कोशिश कर रहे थे, जितनी भागने की कोशिश कर रहे सब हमको धर के बीच में आओ नाचो नाचो एकदम करो। अब भाई साहब ऐसे ऐसे नाच रहे थे वहां पर, हमसे हो नहीं रहा था इन सब माहौल में नाच किया हुआ, नाच किया हम तो किसी माहौल में नाच नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर हमको बड्डू अंकल गोदी पर उठा लिए, वहां पर कंधा अपना उचका दिए। फिर जी उसके बाद जो है फिर हमको जो है नीचे उतार के फिर सबके बीच में डाल दिए कि आप डांस करो जी। हम भाग रहे थे, सब हमको ठेल रहा था, हम भाग रहे थे ठेल रहा था डांस करने के लिए जी। हम वो तब भी हम जी थोड़ा बहुत डांस करिए लिए जी। भाई साहब हम वो डांस का वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरी बहुत थी अधिक बेइज्जती हो रही थी वहाँ पर। चुप रहो, हम नहीं दिखाएंगे डांस को, हम जरूर दिखाएंगे। तो देख लिया आप लोगों ने डांस, करवा दी मेरी बेइज्जती।
सॉरी जी, ऐसे ही डांसर हम हैं, नहीं दिखाना चाहते थे आप सभी को, यही दिखा दी जी। इस तरह से हमारी होली हुई संपन्न। तो जी होली के बाद भी हम दो दिन रहे थे वहाँ पर, और उस दो दिन में भी जो मस्ती किए थे पूछिए मत। भागलपुर का मार्केट सब घूमे, गंगा किनारे समय बिताए, थोड़ा गाँव सब घूमे, झलक आपको दिखाएंगे, बहुत मजा आएगा जी आपको वो वीडियो देखने में। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जी आप लोग बताइए कैसा लगा यह वीडियो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आए तो आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।